मैम अभी जो शेड्यूल भेजा है ना स्कूल से, तो उसमें जो नोटबुक के चैप्टर्स लिखे हैं ना, तो मतलब जो चैप्टर्स लिखे हैं वही कंप्लीट करना है या फिर पहले का भी जो बाकी है वो सब करना है? ना, जो चैप्टर लिखे हैं वो ही करना। Okay, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग प्रोग्राम एजुकेशन वो हमने कल रीड किया था। यस मैम। ओके, इसके अंदर क्या है? ये जो हमारा क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनिशियली रन होता है। एंड जो ये क्या है कि स्पेशल प्रोग्राम, यानी कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रन होता है या हमें करना पड़ता है? बोलो, जब कोई भी प्रोग्राम हमने बनाया ऑटोमेटिक नहीं, पर हम रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक रन होगा, फिर हमें करना तो पड़ेगा ना, हमें ही। हाँ मैम, है ना, हमने सिस्टम पूरा बना लिया, फिर उसे रन करने के लिए हम डालेंगे, फिर अपने आप प्रोसेस वो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यस मैम। यस, पर बनाना तो पहले आपको ही पड़ेगा। और जो हम यूजर मींस हम, तो हम जो उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम? यस मैम। यस, अभी आप देखो कि आप लोग कोई भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, मतलब आप फेसबुक में देख लो, आपने रिक्वेस्ट भेजी, यस, तो वो तुरंत ही रिप्लाई आता है, मतलब यूजर मतलब हम हुए। यस मैम। यस मैम। यस, तो यूआई मींस यूजर इंटरफेस। Yes, okay. अभी देखो इसके अंदर क्या है कि this request may be in the form of typing a command or clicking with the mouse or touching on the touch panel. So, yes. हाँ, अगर आप टच वाला भी लैपटॉप या तो कोई भी यूज करो तो उसमें माउस की जरूरत नहीं पड़ती है, पर दूसरे में क्या है कि अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बिना टच वाला है, तो उसमें माउस की जरूरत पड़ती है। Yes, ma'am. Yes, तो जो वो क्या है, एक्शन से वो फुलफिल करता है हमारी, जो भी हम मांगते हैं, जो भी हम करते हैं। यस यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये समझ में आया आपको? अगर देखो आपको जब भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, फिर हमें उसे क्लोज करना है, स्टॉप करना है, तो भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो भी एक रिक्वेस्ट ही हुई। यस मैम। सिर्फ यस यस मत बोलना, ना समझ में आए तो पूछना। यस ओके, नेक्स्ट देखो, कंट्रोलिंग एक्सेस टू द मेमोरी। इसके अंदर क्या बोला गया, देखो मेमोरी जो मेमोरी होती है उसको कंट्रोलिंग करता है, ये कंट्रोल करता है। हाँ, फिर लार्ज स्केल ऑफ फ्रॉम द मेमोरी means speed of the CPU, यानी कि देखो हमारा लार्ज डेटा हो जाता है तो थोड़ा लोड करने में मतलब वो तकलीफ मतलब होती है उसको, धीरे चलता है, स्लो चलता है। यस, अभी आप लोगों ने एप्लीकेशन दो तीन एक साथ में, सॉरी बोलो हर्षिका क्या? ओके, अभी देखो आपने क्या किया कि तीन या तो दो एप्लीकेशन आपने एक साथ में स्टार्ट कर दी, यस, रन करने में, तो वो ऑब्वियसली सीपीयू को क्या होगा, लोड का होने में स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी। यस, आप देखो एप्लीकेशन मतलब आप देखो ये दिस पीसी मींस आपका जो एप्लीकेशन जो है वो आपने स्टार्ट किया, लैंग्वेज है वो स्टार्ट किया, कुछ भी दो तीन आप एप्लीकेशन ले लो, उसमें से लोड करने में उससे ज्यादा तकलीफ होगी, प्रोसेस है हमारी एकदम से स्लो हो जाएगी। यस ओके, अभी इसमें क्या देखो दूसरा। यस मैम।
ये जो मेन मेमोरी है वो क्या करता है, अंडर कंप्लीट कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. मीन्स ये जो मेन मेमोरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो कंट्रोल करता है उसे मेन मेमोरी को, स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम को. यस मैम. ये जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो मेन मेमोरी है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये ओएस. आया समझ में? यहाँ पक्का? यस और नो? कोई डाउट तो पूछो. सॉरी, बोलो यस और नो. यस बाकी एक एक करके पूछू क्वेश्चन. हाँ उसमें भी कोई आंसर नहीं. हाँ या ना? ओके, एंड ऑफ द चैप्टर में आपको क्वेश्चन पूछूंगी. अगर किसी को नहीं आया तो वन वीक के मेरे क्लास में नहीं आएगा वो. ओके यस मैम. ओके, तो ये समझ में आया कंट्रोलिंग क्या है? यस मैम. यस. ओके, नेक्स्ट क्या है? सर्विंग मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम. यूजर एट द सेम टाइम. सॉरी मैम, मतलब बहुत सारे जो यूजर्स हैं ना, वो मतलब बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो एक ही साथ यूज करते हैं एक ही टाइम पे. यस, मल्टीपल यूजर्स. यस, एक ही टाइम पे यूज कर सकते हो आप, है ना? और क्या है इसके अंदर? यस मैम. यस, देखो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डिजाइनड फ्रॉम यूज. ओके, कौन रीड कर रहा था? जतिन. सॉरी जतिन. हाँ जतिन, रीड करो ये पैराग्राफ. जतिन. An operating system may be designed from use by only one user at the time, or a single user system, or by several users simultaneously. The multi-user. It is actually possible to run the program of many user on a single computer. Usually called server, with each the user performing each user performing input output through their terminal that may have keyboard mouse. Terminal, they may have keyboard, mouse, and monitor. This is useful when all user cannot be provided with the powerful computer they need due to the cost factor. And a single powerful computer must be shared among many of them. Okay, kya hai iske andar? बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम पे यूज कर. यस, देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रोग्राम ऑफ मेनी यूजर्स ऑन अ सिंगल कंप्यूटर यूजुअली कॉल्ड सर्वर. सर्वर मींस, अभी देखो हमारे पास बेंजामिन की एक एप्लीकेशन है जो हम सब यूज कर रहे हैं, राइट?
उसमें आपको हम लोगों ने क्या किया था, सितंबर से स्टार्ट की थी एप्लीकेशन. यस अभी देखो सितंबर से लेके अभी दिसंबर खत्म होने आया, तो सितंबर से लेके जो भी हमारा डेटा है, जो भी वीडियो है, होमवर्क है, व्हाटएवर जो भी है, यस, तो वो आपको अभी भी दिखाई दे रहा है. यस मैम. क्यों? नो मैम, क्योंकि वो सर्वर पे होगा इसलिए. यस, ये सारा जो डेटा है वो हमारा सर्वर पे अवेलेबल है, आप कभी भी उसके अंदर जाके देख सकते हो आपके फोन के अंदर. यस, सितंबर से लेके दिसंबर तक. यस, अगर हम भी एप्लीकेशन के अंदर हम डिलीट कर दे पर उसके सर्वर में तो अवेलेबल होगा ही. यस, डन ऑल ऑफ यू? यस मैम. और क्या क्या है इसके अंदर देखो, विच ईच यूजर परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट थ्रू देयर टर्मिनल दैट मे हैव कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर. दिस इज यूजफुल व्हेन ऑल यूजर्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विद द पावरफुल कंप्यूटर्स दे नीड. मींस मैम जो पावरफुल कंप्यूटर होगा द दिस इज यूजफुल व्हेन ऑल यूजर्स कैन नॉट बी. सॉरी बोलो. मैम जो ऑल यूजर्स होंगे ना, मतलब सारे जो यूजर्स होंगे ना, वो प्रोवाइडेड नहीं करेंगे पावरफुल कंप्यूटर पर. वो दे नीड ड्यू टू द कॉस्ट फैक्टर, उन लोग को कॉस्ट फैक्टर चाहिए. सॉरी क्या बोला मैम? जो ऑल यूजर्स जो होंगे ना, सारे यूजर्स, वो मतलब प्रोवाइड नहीं करेंगे पावरफुल कंप्यूटर पर. ओके अभी देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर वो किससे वर्क करता है? सीपीयू से. यस, और क्या मॉनिटर बोलो. मॉनिटर, सीपीयू. हाँ पर वो क्या, यूजर्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड मींस यूजर जो होंगे ना वो प्रोवाइड नहीं करेंगे. सॉरी यूजर, यूजर्स होंगे ना जो हम जैसे जो यूज करेंगे वो प्रोवाइड नहीं करेंगे. Provide means provide मतलब लेना. Powerful computer जिसके पास नहीं होगा वो. जिसके पास नहीं होगा means अगर मान लो मेरे पास नहीं है तो बोलो. टर्मिनल का मीनिंग फाइंड करके आना कल. ओके, टर्मिनल का मीनिंग पता चल जाएगा तो पूरा सेंटेंस पता चल जाएगा. यस ऑल ऑफ यू. मैम मैं अभी देख लेता. हाँ तो देख लो, तो पूरा मीनिंग बताना मुझे. ओके तब तक नेक्स्ट रीड करते हैं. चलो क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर? बीमारी टर्मिनल मतलब. सॉरी बीमारी है ना? पक्का? यस, टर्मिनल कैंसर यहाँ पे आया है. सॉरी. ओके अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है. एक मिनट
वन पर्सन नहीं मैम वो नहीं है, वो नहीं है कंप्यूटर और फॉर पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू इट। हाँ पर उनका मीनिंग मैम जो वन पर्सन होगा वो इंफॉर्मेशन देने देगा फ्रॉम द सेंट्रल कंप्यूटर, मतलब जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा उससे लेके इंफॉर्मेशन देगा वो फॉर अ पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू इट और फिर वो पुट करेगा। ये आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है यहाँ पर, बोलो फिर से आराम से बोलो समझ में आए, रुको समझ में, धीरे धीरे बोलो बोलो। ओके मैम जो वन कंप्यूटर होगा, यस वन कंप्यूटर होगा ओके, और नहीं वन पर्सन जो होगा वो यूज करेगा फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन लेगा फ्रॉम द सेंट्रल सेंट्रल कंप्यूटर जो होगा उसके पास से इंफॉर्मेशन लेगा वो फॉर पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू, उसने इंफॉर्मेशन पुट करने के लिए पोस्ट करने के लिए नहीं पुट करने के लिए। ओके नो मैम सिंपल टेक्स्ट के लिए वो फ्रॉम अ कंप्यूटर, सिंगल टेक्स्ट मींस सिंपल टेक्स्ट। ओके सिंपल टेक्स्ट मींस, सिंपल टेक्स्ट मींस क्या मैम? उसमें ऐसा लिखा है यूजिंग अलाउ टू सिंपल टेक्स्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, इसीलिए मैंने बोला कर्ल रीड करके मुझे बताना पूरा सेंटेंस क्या है। ओके ये बाकी सब कहाँ है? सॉरी परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट विथ मल्टीपर्पस परफॉर्मिंग इन आउटपुट इनपुट फॉर टर्मिनल, हाँ उनका मीनिंग हम मल्टीपर्पज नहीं पता, कल फाइंड करके लाएंगे तो चलेगा। तो मैंने तो वही बोला कि कोई मुझे जल्दी नहीं है, ये टर्मिनल वाला वर्ड है मुझे फाइंड करके कल देना। ओके अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है देखो, सी नील रीड करो प्लीज, रीड दिस सेकंड पैराग्राफ। A multiple screen also provides additional benefits of centralized management and resource. Example file sharing. Sometimes a computer system in a far away corner of far the world away. Can be accessed. Far away corner of the world can be. Accessed remotely by user over the internet. This enables traveling employees of large organization to access their computer from anywhere in the world for doing their work. It also enables the technical support staff of the organization to access computer in different offices and to diagnose and solve their problems without wasting time and physical travel. Some companies even provide their employees the option to work from their home. Okay, ये सिंपल सा पैराग्राफ है, समझ में आया क्या है इसके अंदर? See, आप लोग कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहां पे टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक बंदा रखा हुआ होता है पहले से। Yes. एचआर नहीं, उनका काम ये नहीं है। एचआर का काम तो क्या है कि एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना, वो ये टेक्निकल वाला काम है वो नहीं दिखता है। यस इनके लिए उनको एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक बंदा रखा हुआ होता है कि जो भी आपके मतलब
काम करने के अलावा मतलब कोई भी प्रोग्राम आता है, आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाती है या तो लोड में प्रॉब्लम हो रहा है, यस, तो वो हमारा डाउट है वो क्लियर कर देता है, स्पेशल उसके लिए उसे रखा हुआ होता है। यस, एचआर एंड ये टेक्निकल वो दोनों अलग है, डिफरेंट है। एचआर का काम क्या है, सैलरी करना, एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट, मतलब आपको क्या है कि आपने रेज्यूम भेजा है तो शॉर्टलिस्ट करना, वो सब। यस मैम। टेक्निकल का क्या है कि टेक्निकल वाला जो बंदा है उसे तो यही देखना है कि आपको प्रॉब्लम क्या आती है काम करने के बाद। यस यस यस। हाँ बोलो। यस ओके। नेक्स्ट क्या बोला गया इसके अंदर? आपको कोई भी फाइल है वो शेयरिंग करनी है तो वो आप इजीली इसके अंदर कर सकते हो शेयरिंग। कैसे शेयरिंग कैसे करोगे आप? इंटरनेट। सॉरी, यूजिंग ऑफ इंटरनेट। यस, आप मेल करते हो, मेल करना आता है ना सबको? हाँ, तो वो क्या हमारी फाइल शेयरिंग है, फाइल शेयर करना होता हो व्हाट्सएप में ना, तो हम करते ही है, पर हमें क्या है मेल के थ्रू करना है तो उसमें से आप कर सकते हो। यस मैम। ओके, देखो इसके अंदर लास्ट वाला देखो। Some companies even provide their employees the option to work from their home. अभी चल रहा है work from home. Yes, तो वो भी क्या है? वो provide करता है क्या? Some companies. Yes, जो कई सारी कंपनी है, कोई कोई कंपनी है वो हमें allow करता है घर पे काम करने के लिए, जब अभी हो रहा है घर पे, lockdown में हुआ था। Yes, ma'am. Yes? Okay. Yes, ma'am. तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट? Yes, ma'am. Okay. See page number 46. निकाला? ये जो 46 वाला पेज नंबर है वो हम कल करेंगे। ओके, ओके, ये